नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर लखनऊ से आ रही है। वकीलों के चैंबर तोड़े जाने पर वकील भड़के। सदर तहसील परिसर में वकीलों का प्रदर्शन। सदर तहसील में वकीलों ने लगाया ताला। सदर वकीलों ने एसडीएम पर लगाया आरोप। बिना नोटिस के चैंबर तोड़ने का आरोप। गेट के बाहर धरने पर बैठे सदर वकील। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। बिना नोटिस दिए, विदाउट नोटिस है जी, हम लोगों का चैम्बर में जितनी सामानें थी और फाइलें वगैरह भी नष्ट हो गई, उसी के खिलाफ जी। और क्या मांगे हैं आपकी इसमें? हम तो ये मांगे हैं कि जितना हम जूनियरों का नुकसान हुआ है वो भरपाई करें, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए कहा गया है जी। क्योंकि हम लोगों को जगह एवांटेड थी, आवंटन किया गया था। एसडीएम साहब थे वो हम अपने ही रेलिंग क्रॉस करके हम अधिवक्ताओं को कम से कम 20 से 25 बीस से 25 चैम्बरों को तोड़ा गया है और फाइलों का नुकसान किया गया हुआ है, इसका भुगतान चाहते हैं। धन्यवाद सर।